दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू के दौरान कार सवार कपल ने मास्क को लेकर पुलिस कर्मियों से बदतमीजी की थी। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया था और उन्हें कोर्ट में पेश किया गया था, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया था। पहले अदालत ने दो बार उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी, लेकिन इस बार कोर्ट ने सुनवाई के वक्त पुलिस कर्मियों से बदतमीजी करने वाले पति पत्नी को जमानत दे दी। दरअसल दिल्ली के दरियागंज इलाके में दिल्ली गेट पर 18 अप्रैल को वीकेंड कर्फ्यू के दौरान एक कपल को बिना मास्क कार में देखने पर दिल्ली पुलिस ने उन्हें रोका था। इसके बाद कपल ने पुलिस पिकेट पर ही पुलिस कर्मियों के साथ जमकर बदतमीजी की थी। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था। इसके बाद पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। इस मामले की सुनवाई दिल्ली की 30,000 कोर्ट में चल रही थी। बुधवार को सुनवाई के दौरान अदालत ने उन दोनों की जमानत मंजूर कर ली। कोर्ट ने जमानत देते हुए दोनों को हिदायत दी कि ऐसे महामारी के दौर में दोबारा इस तरह की हरकत ना करें। एमपी के इंदौर में राजेंद्र नगर के सेंचुरी पार्क में रहने वाली 34 साल की प्रोफेसर नेहा पनवर ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। बुधवार की सुबह ही उनके पति डिप्टी रेंजर पवन पनवर की कोरोना संक्रमण से मौत हो गई थी। इस बात का पता चलते ही उसे जान से भी ज्यादा चाहने वाली पत्नी नेहा ने आखिरकार खुद को फांसी लगा ली और अपनी जान दे दी। पहले लव और उसके बाद शादी की कहानी का ऐसा अंत किसी ने सोचा नहीं था, जबकि दोनों के जीवन में किसी तरह की कोई समस्या नहीं थी। पत्नी जहां निजी कॉलेज में प्रोफेसर थी, तो पति का हाल ही में पीएससी के जरिए रेंजर के पद पर चयन हुआ था, लेकिन कोरोना के कारण वो ड्यूटी ज्वाइन नहीं कर पाए थे। इंदौर के राव थाना पुलिस ने जनता कर्फ्यू में बिना अनुमति शादी करने वाले दो परिवारों के खिलाफ केस दर्ज कर उनकी गिरफ्तारी की है। राव थाना प्रभारी नरेंद्र रघुवंशी के मुताबिक उनको दो अलग अलग जगहों पर शादी समारोह आयोजित किए जाने की सूचना मिली थी। दोनों अलग अलग मामलों में दूल्हे के परिवार वालों पर केस दर्ज किया गया है। दोनों जगह शादी समारोह में भीड़ पाई गई, जिन्हें खटवा कर टेंट आदि सामान जब्त किया गया। एक मामले में दूल्हे की मां सहित तीन आरोपियों के खिलाफ धारा 188 269 के तहत केस दर्ज किया गया है। वहीं दूसरे मामले में दूल्हे के भाई और अन्य रिश्तेदार के खिलाफ केस दर्ज कर उनकी गिरफ्तारी की गई है। हिमाचल प्रदेश के बहुचर्चित गुड़िया रेप मर्डर में शिमला के जिला अदालत ने बुधवार को 28 साल के आरोपी अनिल उर्फ नीलू को दोषी करार दे दिया। अब आने वाली 11 मई को अदालत उसकी सजा का ऐलान करेगी। 4 साल पहले शिमला के नजदीक कोटखाई जंगल में 16 साल की स्कूली छात्रा की लाश बरामद हुई थी। उसके साथ पहले बलात्कार किया गया था, फिर उसकी हत्या कर लाश जंगल में फेंक दी थी। विशेष न्यायाधीश राजीव भारद्वाज ने इस जघन्य अपराध के आरोपी अनिल कुमार उर्फ नीलू उर्फ चरानी को धारा 372(2) आई और 376(a) के तहत बलात्कार का दोषी माना। साथ ही भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत उसे हत्या और धारा 4 के तहत दमनकारी यौन हमला करने की सजा का पात्र भी माना। पीड़ित नाबालिग थी, इसलिए अदालत ने उसके खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत भी दोषी माना है। पीटीआई के मुताबिक गुड़िया के गुनहगार अनिल को दोषी करार देने के बाद अदालत ने 11 मई का दिन उसे सजा सुनाने के लिए निर्धारित किया है। आपको बता दें कि 4 जुलाई 2017 को गुड़िया अपने स्कूल से घर लौटते वक्त कोटखाई में लापता हो गई थी। दो दिन बाद उसकी लाश 6 जुलाई को जंगल से बरामद हुई थी। किसी लड़की द्वारा किसी लड़के से फोन पर बात करना शायद गुनाह नहीं है, लेकिन अक्सर ऐसे मामले सामने आ जाते हैं जब ऐसा करना दोनों में से किसी एक पर भारी पड़ जाता है। अफगानिस्तान से ऐसा ही एक वाक्य सामने आया है, जहां एक लड़की को लड़के से फोन पर बात करना महंगा पड़ गया। दर्शन की एक रिपोर्ट के मुताबिक ये घटना अफगानिस्तान के हेरात प्रांत की है। यहाँ के हब्दगोला नामक जगह पर एक युवती को फोन पर बॉयफ्रेंड से बात करने पर तालिबान ने उसे क्रूर सजा दे दी। इस घटना का वीडियो भी वायरल हुआ। वीडियो में दिख रहा है कि इस युवती को बीच चौराहे पर सरेआम 40 कोड़े मारे गए। बुरके में बैठी युवती अपनी गलती मान रही थी, वो रो रही थी और आसपास के लोग इस घटना का वीडियो बना रहे थे। रिपोर्ट के मुताबिक इस युवती ने शरियाई कानून के खिलाफ जाकर अपने बॉयफ्रेंड से बात की थी, इसलिए तालिबान ने इतनी क्रूर सजा दी। इन खबरों को विस्तार से क्राइम तक पर देखिए। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।